हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमरा नंबर 16, रिटन बाय ममता गंगवार। मोनिका हॉस्टल में पढ़ने आई थी। वहां पर लड़कियां भूत प्रेतों की बातें सुनाती थी तो उसे बहुत डर लगता था। उन लोगों ने बताया कि कमरा नंबर 16 में जो भी रहने आता वो सुबह बेहोश मिलता था, इसीलिए अब उसमें कोई नहीं रहता है। मोनिका का 18 नंबर का कमरा था। रात में वो जब देर तक पढ़ती तो उसे पायलट की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई टॉयलेट की तरफ जा रहा है। वो बहुत देर तक इंतज़ार करती कि यदि कोई लड़की उधर गई है तो वो जब वापस आएगी तो पायल को आज आएगी, लेकिन बहुत देर जागने पर भी दोबारा आवाज नहीं आती थी। एक रात ऐसे ही पढ़ते हुए उसे टॉयलेट जाना पड़ा। वो अपने कमरे से बाहर निकली, पूरा लंबा बरामदा सुनसान था। वो टॉयलेट गई, फिर जैसे ही वहां से बाहर निकलने के लिए खड़ी हुई अचानक बिजली चली गई। वो अंधेरा में चारों ओर देखने लगी। अचानक उसे रोशनदान पर दो बड़ी बड़ी पीली आंखें दिखाई दी। वो जहां की तहां शून्य सी पड़ गई, फिर वो चीख मारकर बेहोश हो गई। बाद में लड़कियों ने बताया कि वहां एक बिल्ली थी। उसे लगा कि वो बेकार में एक बिल्ली से डर गई। कुछ दिनों बाद फिर वो टॉयलेट गई तो पिछली बार की तरह बिजली चली गई और रोशनदान पर दो पीली बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। अब की बार वो नहीं डरी, उसने सोचा बिल्ली होगी। अचानक उन पीली आंखों के साथ एक लड़की का साया दिखा। अब वो डरने लगी। उसकी नजर साये के पैरों पर पड़ी, वो उल्टी तरफ को घूमे हुए थे। वो साया बोला, डरे नहीं, मैं इसी हॉस्टल में कमरा नंबर 16 में रहती थी। मैंने बहुत लड़कियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सब डर कर बेहोश हो जाती थी। तू मच डरी नहीं तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि सीनियर के रैगिंग के कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरी सीनियर सिगरेट पीती थी, मैंने उन्हें पीने से मना किया, तब भी वो ना मानी तो मैंने कहा कि यदि आप लोग ने पीना बंद नहीं किया तो मैं वार्डन से शिकायत करूंगी। उसी रात जब मेरी रात में आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी रूममेट कमरे में नहीं है। तब मैंने सोचा कि इतनी रात में वहाँ वो कहाँ है, देखती हूँ। तो मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो बाहर से बंद था। मैं आकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे कुछ चुभन हुई तो जो मैंने देखा उसको देखकर मेरे होश उड़ गई। वहां तकिया के नीचे एक कटा हुआ खून से सना हाथ था। डर के मारे मेरी आंखें खुली रह गई। मैं चीखना चाहती थी लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने बहुत दरवाजा पीटा लेकिन किसी ने नहीं खोला, और उस रात डर के कारण मेरी मृत्यु हो गई। ये सब काम उन सीनियर्स के थे मुझे डराने के लिए। जब तक उन लड़कियों को उनके किए की सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम अवश्य मुझे न्याय दिलाओगे। फिर वो गायब हो गई। मोनिका ने अगली सुबह वार्डन के सारे रात बात बताई। उन्होंने तुरंत उन लड़कियों पर कार्यवाही करते हुए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। उसके बाद फिर कभी पायल की आवाज सुनाई नहीं दी। अरब कमरा नंबर 16 में कोई लड़की बेहोश नहीं होती। थैंक यू।